हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52s 5G वाला मॉडल है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ वहां पर कुछ नए चेंजेस और कुछ नए फीचर को एड ऑन किया गया है। क्या नए चेंजेस आए हैं और क्या अपडेट किया गया है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि उन्होंने बताया, मैं आपको नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट वाला, आप देख रहे होंगे वहां पर आपको एन बना हुआ दिख रहा होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर डाउनलोड इंस्टॉल पे जाएंगे, अगर आपको एन बना हुआ नहीं दिख रहा है तो अभी आप वहां पर जाइए और वहां पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको नया अपडेट वहां पर अवेलेबल बता देगा। ये अपडेट जो कि आया है, आप देखेंगे आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जो कि अपडेट है 963.33 MB का। लगभग 1 GB के आसपास का ये अपडेट आया है, उसमें 100 MB कम है, बट 1 GB के आसपास का ये अपडेट आया है। अपडेट बढ़ा है तो हो सकता है कुछ मेजर चेंजेस भी किए गए हैं और साथ में इसमें अगस्त की सिक्योरिटी भी अपडेट कर दी गई है। ये तो हो गया मेजर चेंजेस। यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे, जो मेन यहाँ पर लिखा गया है नरेशन पे, इस अपडेट में क्या किया गया है, वाईफाई कनेक्शन और ब्लूटूथ जो कनेक्शन है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है। अगर आपको वाईफाई से रिलेटेड या ब्लूटूथ से रिलेटेड कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। साथ में स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को भी इम्प्रूव कर दिया गया है। डिवाइस बिहेवियर हैज बीन इम्प्रूव, द डिवाइस इज प्रोटेक्टेड विद इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव कर दिया गया है। साथ में जब भी नया अपडेट आता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि डिवाइस स्टेबिलिटी इम्प्रूव किए जाते हैं, बग्स को फिक्स किया जाता है और न्यू एंड इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस की जाती है। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। नीचे की तरफ आएंगे इस अपडेट के साथ, आपको यहाँ पर ये जो अपडेट्स हैं या बोल सकते हैं जो सैमसंग की एप्स हैं ये अपडेट होंगी, मतलब होंगी या फिर हो सकता है कि इन अपडेट के बाद आपको वहां पर अपडेट्स मिले। मे बी हो सकता है इस अपडेट में ये सारी एप्स को अपडेट कर दिया गया होगा, लाइक गैलेक्सी वेरिएबल, सैमसंग ग्लोबल गोल, सैमसंग नोट, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग हेल्थ, स्मार्ट थिंग्स, सैमसंग मेंबर, सैमसंग पे, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, जितनी भी आपके सैमसंग से रिलेटेड एप्स होंगी तो आपको वहां पर नाम बता देगा। हो सकता है आपके पास कम बता रहा हो क्योंकि आपके पास कुछ एप्स इंस्टॉल नहीं होगी तो आपको कम भी बता सकता है, बाकी सारी एप्स में यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट्स आए होंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल सा अपडेट। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट का साइज जो कि मैंने बता दिया 963 MB का है। तो फाइनली दोस्तों आपको कर लेना है इसको अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए। दोस्तों फाइनली हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करें तो आपकी मोबाइल की जो बैटरी है 50% के अबव होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा आप अपने मोबाइल को 50% के अबव भी चार्ज करके ही अपडेट करें। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों यार, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सैमसंग रिलेटेड ऐसी नई वीडियो आपको फटाफट मिलती रहे या बोल सकते हैं आपको तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो ये दोस्तों ये यहाँ पर देख रहे हैं अपडेट होना चालू हो गया है। अब मेरा मोबाइल यहाँ पर एक दो बार स्टार्ट रीस्टार्ट होगा और फाइनली वो अपडेट हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस में मैं भी 15 to 10 मिनट्स या भी बोल सकते हैं 5 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं, बट फिर भी 15 मिनट्स आप मान के चलें इसमें अपडेट्स होना है। और जब भी अपडेट हो रहा हो तो आपको कोई भी की को प्रेस नहीं करना है, सिंपली थोड़ा सा वेट करना है और फाइनली वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो अब इसको होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपका फोन जब अपडेट हो जाएगा तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन आएगा, योर फोन हैज बीन अपडेटेड। ओके करेंगे तो ये हट जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। मेरे को तो अपडेट होने के बाद यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ रही है ऊपर, सिक्योर्ड फोल्ड लॉक्ड करके आपको दिख रहा होगा, अनलॉक योर सिक्योर फोल्डर टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप इन सिक्योर फोल्डर। तो जब मैं उसको हटा भी रहा हूँ तो हट नहीं रहा है, जब तक मैं उसको खोलूंगा नहीं तो शायद वो हटेगा नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पर ये चेंजेस आया है। उसके बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे ले जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अबाउट फोन में आ गया हूँ। अबाउट फोन में आने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे यहाँ पर 4.1 का वन यूआई है, एंड्रॉइड 12 यहाँ पर अपडेट हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर का जो अपना वर्जन है 1 जुलाई का ही है। और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे सिक्योरिटी जो अपडेट है 1 अगस्त 2022 की ये अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पर तो ये चीज यहाँ पर दी गई है। साथ में अगर जो भी ऐप जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही, वो ऐप यहाँ पर ऑटो अपडेट हो गए होंगे या फिर आपको माय अपडेट्स में उनके अपडेट अवेलेबल दिख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ ऐप के तो आपको अपडेट यहाँ पर अलाउ भी दिख रहे हैं कि आपको ये सब ऐप अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेंजेस मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या चेंजेस हुआ। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि मेरा मोबाइल यहाँ पर स्मूथली वर्क कर रहा है, जो कि पहले से बेटर है। पहले ऐसा इतना बेटर वर्क नहीं करता था जितना स्पीडली अब यहाँ पर, मतलब स्मूथली यहाँ पर चल रहा है।
बहुत ज्यादा यहाँ पर स्मूथली पहले से ज्यादा यहाँ पर चल रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट के बाद जो इसका फोकस है या वो चलने का जो है स्मूथनेस तो हो ही गया है। साथ में यहाँ पर जो कि उन्होंने लिखा था वाईफाई और ब्लूटूथ से रिलेटेड कनेक्शन की जो प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफाई कर दिया। जब भी अगर आप वाईफाई यूज करते थे, अभी तो मैं वाईफाई यूज नहीं कर रहा हूँ, जब मैं यूज करूंगा तो डेफिनेटली बता दूंगा कि इसमें चेंज हुआ है कि नहीं। बट उनका ये कहना है कि वाईफाई की जो भी कनेक्टिविटी थी यहाँ पर हैंडसेट पर चेंज हो गई है, और जो कि ब्लूटूथ भी अगर आप यूज करते थे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम होती थी, ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट होना या फिर रेंज कम होना, तो वो भी यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है। तो कनेक्शन इशू आपको यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। हो सकता है कि नेटवर्क रिलेटेड भी यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हो, बट ऐसा मेंशन नहीं किया गया, पर वो भी वहां पर चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगर आप मैं देखूं गैलरी में कुछ, तो दोस्तों गैलरी में आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया। जब भी अगर आप एडिट करने जाएंगे फोटो को, तो शार्पनेस वाला यहां पर अपडेट में जोड़ दिया गया, जो कि पहले शायद नहीं था, बट मेरे हिसाब से ये अभी अपडेट के बाद यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं छोटे छोटे, जो कि मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मेन चीज यहाँ पर जो भी कुछ बग्स थे बैटरी ड्रेन से रिलेटेड या हैंगिंग से रिलेटेड, वो मे बी सॉल्व कर दिए गए, बट मेरा फोन यहाँ पर स्मूथली पहले से तो चल रहा है, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी आप देखेंगे ऑलमोस्ट फुल पे ही है। उसके बाद भी यहाँ पर आप कितनी इजीली यहाँ पर वर्कआउट कर रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कुछ बग्सेज जो मुझे लगे इस अपडेट के बाद, और क्या नए चेंजेस लगे वो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैंने आपको नए अपडेट में जो भी मुझे लगे थे वो मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो को, या बोल सकते हैं आप मुझे अभी सुन रहे हैं, तो मतलब कि आपने मेरी वीडियो यहां तक पूरी देख चुके हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप यहां तक मेरी वीडियो देख चुके हैं, तो यार प्लीज लाइक जरूर कर दो, और नीचे कमेंट करके और बता दो यार कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे सैमसंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो उसकी अपडेट के लिए आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।